यस स्टार्ट करते हैं जेई मेंस का शिफ्ट वन का 4 सितंबर का पेपर। जब लाइव सेशन में थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अलग से सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए इस पेपर को अगर हम देखें तो ये पेपर भी वैसे ही था जैसे 2 सितंबर की शिफ्ट वन का पेपर था, यानी क्वाइट इजी पेपर था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें टाइम लग सकता था, पर ओवरऑल पेपर देखें तो एनसीईआरटी बेस्ड ही था। यानी अभी तक आप देखें तो जेई के जितने पेपर हुए हैं, अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की बुक सॉल्व किए और बेसिक अच्छे से क्लियर है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि इस पेपर में वो मैथ्स में फुल नंबर्स ला सकता है, यानी मोर देन 20 इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। और मैं अभी आपके साथ इसको सॉल्व करता हूं बहुत ही सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस समझ में आएगा कि हाँ ये भी एक तरीका हो सकता है क्वेश्चन का, और यही पढ़ने में चेंज लाइए। आने वाले पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अभी आपका जेई या एनडीए का पेपर होने वाला है, उसके लिए पहले से मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा आपको, और ये पेपर के एनालिसिस आपको कहीं ना कहीं उसमें हेल्प करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है, इफ इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर डीएक्स, फाइंड f3 - f1। लॉजिकली देखें तो f3 - f1 का मतलब जानते हैं आप क्या, कि 1 से 3 की लिमिट है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है समझने वाला। तो आपको ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, एक तरह से ऐसा मान सकते हैं आप कि 1 - 3 रूट एक्स अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। अच्छा आंसर पाई के टर्म में दिया है तो पक्की बात है एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल मानना है, और क्या माना जाए जिससे इजीली हो जाए, तो 1 + x है। अगर माइनस होता तो साइन स्क्वायर मानते, अभी एक्स 1 + x है तो एक्स को आप मान लीजिए टेन स्क्वायर थीटा। तो डीएक्स इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट चेंज करें तो 1 पर हो गई ये π/4 और 3 पर हो गई √3 हो जाएगा, तो π/6। π/6 माइनस π/4 करेंगे तो π/12 मिलेगा, जहां पर π/12 हो वो करेक्ट होगा। अच्छा अब एक बात आती है, रूट एक्स की जगह लिखोगे आप tan थीटा इंटू 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec की पावर 4 थीटा। अब देखिए sec स्क्वायर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस ये भी कैंसिल, फाइनली आपके पास कुछ ऐसा बचा π/4 से π/3 2 sin² थीटा, और इसको भी आप ऐसा लिख सकते हो π/4 से π/2 1 - cos² थीटा इंटू डी थीटा। तो एक तरह से क्या आ गया बेटा, थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2 π/4 से π/3। कहीं पे कोई लिखने में मिस्टेक हो जाए तो ध्यान रखिएगा, π/3 लिखना था, सॉरी π/4 से π/3। ओके अब बताइए क्या होगा जब आप π/3 रखेंगे, देखते से π/3 माइनस π/4 तो π/12, ये तो एक रिजल्ट अलग हो गया। अब इसमें आप जब रखेंगे π/3 तो -√3/2 और ये हो जाएगा +1 अपॉन, क्योंकि 2 थीटा है तो 1/2, एक 3 था तो 4 हो गया। तो ओवरऑल रिजल्ट अगर हम देखें तो हमें कुछ इस ढंग का मिला, क्या क्या मिला, π/12 -√3/4 +1/2। अगर मैं एलसीएम लूं तो आएगा 12, तो पाई -√3 + 6। देखिए किसमें ये आंसर इसमें दिख रहा है, तो यही करेक्ट है ना। जब आप यहां रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये रखेंगे π/3 -π/4 π/12, π/3 रखा तो 120 -√3/2 और एक 2 पहले से, और जब π/4 रखेंगे तो π/2 तो 1 हो जाएगा। ओके कितना बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, लेट φt इक्वल टू 5/12 -t² + t, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ φt इज इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी इसेंट्रिसिटी है, एंड लेटर सेक्टम लेंथ जो है वो आपको दी है 10, यानी 2b² / a दिया है 10, देन a² + b² बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपसे हो भी जाएगा। अब देखिए सबसे पहले एक बात बताइए मुझे कि आपको जो गिवन है φt, ये इसकी सेंट्रिसिटी को बता रहा है। अच्छा देखते ही पता चल रहा है पैराबोलिक कर्व है, डाउनवर्ड है, मैक्सिमम ही मिलेगा। डिफरेंशिएशन करोगे -2t + 1 = 0, ये स्टेप में आपको जब लिखता हूं तो मेंटली सॉल्व करने के दिमाग में लिखता हूं, लिखना नहीं है आपको, 0 से इक्वेट किया तो 1/2 रखा तो आपको मिला 5/12 -1/4
प्लस 1/2, यानी 12 के साथ 5 माइनस 3 प्लस 6 तो 2/3, यानी आपको एक चीज समझ में आ गई कि इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स है 2/3, यस और नो? और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता है 2b² / a इक्वल टू 10, तो 2 into a² + b² पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 into a² into 1 - e² / a = 10, तो 2 एक एक कैंसिल, तो a 1 - 4/9 यानी एक तरह से 5/9 इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 9 या a² = आप 81 भी बोल सकते थे। अब a की जो वैल्यू है 9 वो यहां रख दो चाहो तो 9 रखी तो b² आ गया 45, तो a² + b² ही तो पूछा था आपसे, तो 81 + 45 = 126, दिस इज द राइट आंसर। राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या, पर्सन हु रीड न्यूज़पेपर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टाइप ए 63%, टाइप ए 63% है, एंड दोज हु रीड न्यूज़पेपर टाइप बी 76%, फाइंड परसेंट ऑफ पीपल ही रीड बोथ न्यूज़पेपर, तो सिंपल सा लॉजिक है, दोनों को ऐड कर दें, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों कि जो ना रीड वाले हो, ऐसा कुछ नहीं दिया, पर ये मान सकते हैं कि अगर टोटल होते, मतलब आप ए यूनियन बी को ऐसा मान सकते हो लेस देन इक्वल टू 100, और ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आप बोल सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 100, यस और नो? इस तरह से आप मान सकते हो, तो अब इन दोनों को कुछ उलझने की जरूरत नहीं है, 63 + 76 जब आप ऐड करते हैं तो 139, तो 39% के आसपास आप लेस देन या इक्वल टू मान सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि ये पूरा मिला के 100 या 100 से कम होगा, हमें ये नहीं पता, इसलिए इतना ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एट द पॉइंट पी 3,3 ऑन द हाइपरबोला अ नॉर्मल इज ड्रॉन विच कट एक्स एक्सिस एट 90 ऑन द हाइपरबोला x² / a² - y² / b² = 1, देन वैल्यू ऑफ a², e² इसके कई सारे तरीके हो सकते थे, गो फॉर ऑप्शन, गो फॉर मेथड, ऐसे कई सारे अलग अलग तरीके हो सकते थे। सबसे पहले मैं बोलूंगा थोड़ा सा क्वेश्चन को समझें, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये 3,3 है, इससे ये नॉर्मल की इक्वेशन ली जो कि 90 पे कट कर रही है, ठीक है, एक बात। अच्छा, यहां से आप चाहें तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते थे, टेंजेंट से परपेंडिकुलर नॉर्मल होती है, अगर मैं आपसे बोलूं कि x² / a² - y² / b² = 1 दिया हुआ है, अच्छा 3,3 पैराबोला पे है, तो आप ऐसा भी बोल सकते थे 1 a² - 1 b² = 1/9, यस और नो? बहुत ही सिंपल। और अगर मैं आपसे बोलता इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप बोलते 2x / a² = 2y / b² dy/dx, एक तरह से, तो x ये कैंसिल हो जाता, और क्योंकि x = y 3,3 दिया है, ये कैंसिल कर दो, तो dy/dx एक तरह से आ गया b² / a², यस और नो? b² / a², तो ये टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का इसका रेसिप्रोकल, तो y - y1 = -a² / b² * x - 3, ये कहां से पास हो रही है, 90 से, 90 रख दो, तो -3 = -a² / b² * 9 में रखा तो 6 हो गया बेटा, ये माइनस है, माइनस कैंसिल हो गया, ऐसा बोल सकते हो आप b² = 2a² बस, इतना तो आपका काम हो गया खत्म। कैसे, क्योंकि बी स्क्वायर की जगह जैसे ही 2a² लिखा तो 1 a² - 1 2a² = 1/9, तो एक तरह से ये बचा कितना, 1 a² = 1/9, तो a स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई 9। अब ऑप्शन में देखें तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर पूछा है आपसे, है ना बेटा, ठीक है, एक मिनट, कहीं ये हो गया इसका एलसीएम आ गया, एक मिनट बेटा, 2a² तो ये आ जाएगा 2 - 1, तो 1 - सॉरी एक 2 भी बचेगा ना, तो ये 2a² रहेगा, तो 2/9, तो a स्क्वायर हो जाएगा 9/2, a स्क्वायर की वैल्यू 9/2, सॉरी बेटा, यहां पर क्या हुआ, जब मैंने वैल्यू रखी तो थोड़ा सा ध्यान देना था, 1 a² 2a² = 1
नाइन, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9/2। अब 9/2 देखिए कहां पर है, एक तो इस ऑप्शन में, एक इसमें। अच्छा एसेंट्रिसिटी जीरो होगी नहीं, तो इसका मतलब ये वाला होगा नहीं और 9/2 किसी में नहीं है, तो ये आंसर लगा सकते थे आप। बाकी क्योंकि अब आपके पास ए आ गया और बी आ गया, तो आप इसेंट्रिसिटी भी बता सकते हो। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितनी होती है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला तो ई इक्वल टू √1 माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ, ये वैसे ही रिलेशन निकल गया था, क्या निकला था, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर, तो √3, तो इसका स्क्वायर ही बोला आपसे, तो इसका स्क्वायर हो गया 3। यस और नो, कितने आसानी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, राइट। कहीं पे भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं चाह रहा हूं एक घंटे में हो, कहीं अगर कैलकुलेशन पे थोड़ा सा नजर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक घंटे में भी नहीं, बल्कि इसको हम ट्राई करेंगे 45 मिनट में पेपर आपसे सॉल्व हो जाए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, एंड एफ पाई इक्वल टू पाई, ठीक है, एफ डबल डैश पाई बाई टू एफ पाई बाई टू, ओके। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा इतने में ही, कि इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो अगर ध्यान दें तो ये लीनियर इक्वेशन है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर मैं बोलूं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपको पता है ई पावर माइनस वन बाय एक्स यानी लॉग एक्स यानी 1/x ही मिलेगा। सॉल्यूशन सेट आपको याद होगा, लीनियर इक्वेशन पढ़िए, अगर कभी भी इस फॉर्म में हो तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखा करो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो सीधा सीधा y अपॉन x तो यही आ गया इक्वल टू, यहां x x कैंसिल हो गया। अच्छा इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x साइन x आएगा और साइन एक्स में माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस सी। ये एक रिजल्ट आपको मिल गया, यस और नो, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये रिजल्ट मिल गया आपको। अब आपने एक्स की जगह पाई रखा तो वाई भी पाई है, तो ये हो गया 1 और साइन पाई 0, तो सी की वैल्यू आ गई 1। तो बस इक्वेशन आ गई एक तरह से, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स। ये आपकी एक फाइनल इक्वेशन बन के आ गई बेटा। अब इसमें जो बोला, जैसे बोला है पाई बाई टू, अगर मैं इसमें पाई बाई टू रख दूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई बाई टू। ऐसी डबल डेरिवेटिव में भी पाई बाई टू रखना है, तो इसी का डबल डेरिवेटिव करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसका डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे जरा करिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, नहीं सॉरी, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा प्लस 1। तो सेकंड डेरिवेटिव करिए जिसे आप डबल डैश बोलोगे, तो बोलो 2x कॉस एक्स प्लस एक्स का 1 तो 2 साइन एक्स प्लस यहां करो एक्स स्क्वायर का 2x इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये आ गया। अब आप पाई बाई टू इसमें भी रख दो, ये पाई बाई टू जीरो, ये पाई बाई टू जीरो, ये मिलेगा 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, इसको जोड़ दो, तो इसको जोड़ो 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय एक मिनट, यहां पर रखा आपने पाई बाई टू तो पाई स्क्वायर बाय 4 मिलेगा, माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, ये आपस में कैंसिल, क्या बच गया, पाई बाई टू प्लस 2, पाई बाई टू प्लस 2। देखिए ये आंसर दिया है, एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये आ गया आंसर, क्योंकि यहां रखा तो 2 ही मिलेगा। यस डन, तो पाई बाई टू प्लस 2 इज अ राइट आंसर। यानी बस केवल आपको, एक तो इसमें लीनियर इक्वेशन का था, बट जैसे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो मैं आपको बोलूंगा ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा बाद में लेते तो अच्छा होता, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर रहा, बट मैनेजेबल क्वेश्चन था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अच्छा क्वेश्चन था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको पता है,
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर एफ एक्स अपॉन एक्स दिया है वन, अगर ये वन दिया तो डेफिनेटली डिफाइंड है, इसका मतलब एल हॉस्पिटल लगेगा ये जीरो, तो एफ डैश एक्स यानी एफ जीरो क्या होगा बेटा, वन, क्योंकि आप ऐसा लिखते हैं ना, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते तो एफ डैश एक्स अपॉन वन और फिर जीरो रख देते तो एफ डैश जीरो कितना है बेटा, वन। अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर ध्यान दो, आपके पास एफ डैश जीरो तो है, इसको अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि आपको एफ डैश थ्री बताना है, एफ डैश जीरो है हमारे पास, अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली करूं, पार्शियली डिफरेंशिएट, तो देखो ये होगा एफ डैश एक्स प्लस वाई, पार्शियली डिफरेंशिएट में एक्स एज अ कॉन्स्टेंट होता है जीरो, क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं, एफ डैश वाई प्लस इसको वाई का तो एक्स स्क्वायर बचा यहां पर क्योंकि वाई का वन हो गया, प्लस टू वाई इंटू एक्स। ओके, अब मुझे एक बार बताइए, अगर मैं वाई की जगह थ्री और एक्स की जगह जीरो रख दूं तो क्या होगा, ये होगा एफ डैश थ्री, यहां पर मिलेगा ये एफ वाई है ना, सॉरी एफ डैश वाई, हाँ ठीक है, नहीं बल्कि एक काम करते हैं, इससे कंफ्यूजन हो ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करिए, क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, तो देखिए क्या होगा, ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन की तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, ये हुआ, ये हो गया एफ डैश एक्स, उसका फायदा ये कि हमारे पास ये वैल्यू, फिर इसका बोलो ये तो जीरो हो गया, ये हुआ टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर मैं x की जगह 0 और y की जगह 3 रखूं तो देखो f डैश 3 यहां मिलेगा f डैश 0, ये y x की जगह 0 y की जगह 3 तो केवल y स्क्वायर बचा, मतलब y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो f डैश 3 ये हो गया 1 और ये हो गया 9, तो आंसर आ गया 10। तो आपको ये वाली जो इक्वेशन थी, एक तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट हुई, इसलिए इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट किया, और पार्शियली डिफरेंशिएशन में एक्स का अगर फंक्शन होगा तो होगा, और अगर वाई का फंक्शन होगा केवल तो वो सीधा सीधा जीरो हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो एंड गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसके रूट्स बेटा क्या दिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा थ्री, अल्फा बीटा पी। ओके, ऐसी अगली जो इक्वेशन है उसके रूट दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, यानी अल्फा गामा प्लस डेल्टा सिक्स एंड गामा डेल्टा इक्वल टू क्यू, आपको बोला अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी, यानी अल्फा बीटा गामा और डेल्टा जीपी में, तो आप ऐसा मान सकते हो ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, है ना, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो गया। आपसे पूछा ये है 2p प्लस क्यू अपॉन 2p माइनस क्यू क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक चीज बताइए आप कि ये आपको अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब थोड़ा सोचना, ए प्लस ए आर ये दिया है 3 और ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ये दिया है 6, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो एक आर स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस आर और इसमें से ए कॉमन तो 1 प्लस आर ये बाय 3 है ना बेटा, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आर इक्वल टू एक तरह से रूट टू हो गया, राइट, आर की वैल्यू रूट टू हमारे अभी काम आने वाली है, इतना लिख के मैंने इसको रब कर दिया। क्या करा समझ में आ गया होगा कि जहां अल्फा है वहां पर ए और जहां बीटा है वहां ए आर, जहां गामा है वहां ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। अब 2p, पी मतलब 2 अल्फा बीटा प्लस क्यू, क्यू क्या है यहां पर गामा डेल्टा, और यही सेम चीज है 2 अल्फा बीटा माइनस गामा डेल्टा, अच्छी बात यह कि सेम है, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अल्फा बीटा का मतलब है ए स्क्वायर आर प्लस गामा डेल्टा का मतलब है ए स्क्वायर आर पावर 5 अपॉन सेम 2 ए स्क्वायर आर माइनस ए स्क्वायर आर पावर 5, क्या कैंसिल बेटा, ए स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल, एक आर भी निकल के कैंसिल, तो 2 प्लस आर पावर 4 अपॉन 2 माइनस आर पावर 4,
यस और नो, आर था आपके पास, आर स्क्वायर था एक्चुअल में टू, तो आर फोर होगा, फोर तो टू प्लस फोर अपॉन टू माइनस फोर, तो ये कितना आ गया एक तरह से सिक्स अपॉन माइनस टू यानी माइनस थ्री। तो हो सकता है कुछ ऑप्शंस, मतलब करने का तरीका यही होगा, हो सकता है मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो ठीक ना हो, या कुछ ऐसा भी बोल रहे थे बच्चे यहाँ पे टू है, ऐसा कोई भी कंफ्यूजन हो सकता है। पर जो भी है आपको ये समझ में आ गया कि करना क्या था, कि आपने यहां पर ए मतलब ए अल्फा ए आर लिखा, ऐसा ए कॉमन लिया तो वन प्लस आर इक्वल टू थ्री, यहां पर भी ए कॉमन लिया तो आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इक्वल टू सिक्स, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो कैंसिल हो गया बेटा। तो बस आपने ये निकाला, यहां पर वैल्यू रख दी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सॉल्विंग अप्रोच हो सकता है इसमें कुछ प्लस चेंजेस हो, इसीलिए मैंने एक ऑप्शन को नन करवा के रखा है कि हो सकता है मैच ना करे तो मान लो, बाकी आपको क्वेश्चन की सिमिलरिटी बहुत मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या दिया है। वन प्लस वन माइनस वन कॉमा टू का स्क्वायर, वन माइनस थ्री कॉमा फोर का स्क्वायर, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, बाद में आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, ए इक्वल टू कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा ए पावर फाइव। कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बताया कि शायद इसमें जीरो से थीटा पाई बाई 24 है, ऐसी बहुत सारी चीजें थी क्वेश्चन में, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अगर नहीं होता ये तो अगर मैं जीरो मान लेता तो ये 1001 मिलता, तो ए पावर फाइव भी यही होता क्यों बेटा? और अगर मैं उस लॉजिक से देखता तो ये ए माइनस डी स्क्वायर, तो ये आंसर तो गलत हो जाता। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू वन नहीं होती तो ये भी गलत हो जाता। कुछ गड़बड़ थी इस क्वेश्चन में मुझे याद है। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वन माइनस वन जीरो, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वन हो सकता था अगर इस लॉजिक से चले तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी ये भी मैं बता रहा हूं क्योंकि डाउटफुल है, पर करना क्या, ये एक तरीका हुआ कि आपने वैल्यू ले ली, एक आध वैल्यू और बदल सकते हैं। पर अगर थीटा ये दिया है तो आपको करना ये था इसमें लॉजिकली कि ए स्क्वायर निकाल के ही कंक्लूजन दे पाते, कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बोलो क्या होता, इसका इसके साथ करते तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया अत्ते में ही समझ में। अब देखो इसका इसके साथ करते, आयोटा के साथ आता कितना, मतलब ये आ जाता ऐसा टू आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब हम ऐसा बोल सकते थे कि ए पावर फाइव जो है वो मिलता आपको, मैं बताता हूं, कॉस फाइव थीटा आयोटा साइन फाइव थीटा, आयोटा साइन फाइव थीटा आयोटा कॉस फाइव थीटा। फिर वो आप वो कंपेयर करते उसका कि किसके इक्वल आता, वो थीटा भी ऐसा दिया हुआ था जीरो से पाई बाई 24 के बीच में अगर दिया होता तो ये सॉरी आयोटा गलत लिख दिया, ऐसा हो सकता था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप करते तो ये ऐसा आता बेटा, कॉस अगर मान लो ये करेक्ट होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस की पावर कॉस, हाँ ये करेक्ट हो जाता बेटा। पूछो कैसे, ये होता कॉस स्क्वायर फाइव थीटा और माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर फाइव थीटा, तो ये वन हो सकता था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ए सी नहीं होता क्योंकि वो सेम हो जाता, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर भी नहीं होता, जीरो नहीं होता, ये करेक्ट है, तो ये हो सकता था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इंटीग्रल का ये क्वेश्चन ध्यान होगा आपने एनसीईआरटी बुक का करा हुआ होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका स्क्वायर। इसका मैंने एक तरीका बताया था, ध्यान होगा कि इसको आप अलग से अगर टी मानो, क्योंकि डिवीजन फॉर्मूला तो होता नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू डीटी, तो एक तरह से एक्स कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू डीटी आता। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था बेटा, देखो एक्स सेक एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स, बताता हूं क्यों, अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो,
अब इंटीग्रल का रूल होता है, जिसका इंटीग्रल नहीं पता उसको फर्स्ट मान लो, तो इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकंड फंक्शन, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इसको टी माना, इसका 1/t² का -1/t, तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पे माइनस आएगा क्योंकि 1/t² है, ये माइनस आ गया है ना, ये माइनस आ गया। अब यहां पर आप जब आओगे तो अलग से बताओ एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका तो हो गया वही लिखोगे आप सेम, तो इसका आएगा एक्स सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एक बार बता, अगर मैं सेक एक्स कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिला बेटा, एक्स टेन एक्स प्लस वन, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो एक तरह से बचा सेक स्क्वायर एक्स, तो एक तरह से माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये सेक स्क्वायर एक्स का हो गया टेन एक्स, ये आ गया, इसको बस साइन कॉस में चेंज कर लीजिएगा, आपको आंसर मैच कर जाएगा। राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 to 20 50 माइनस आर सी सिक्स, ऐसा था बेटा क्वेश्चन ये, तो आप लॉजिकली जीरो रखेंगे तो कितना मिलेगा 50 C6, वन रखेंगे 49 C6, टू रखेंगे 48 C6, से लेके 30 C6 तक दिया है। आप बताओ 666 आ रहा है, अगर मैं आपसे अलग से पूछूं, बहुत ही लॉजिकल अच्छा क्वेश्चन है ये, कि 1 + x^50 में x^6 का कोफिशियंट निकालो, तो आप बोलते ये 49 में भी यही, 47 में भी यही, तो एक तरह से ये पूरा की पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा सिमट के ऐसे हो गया, 50 C6 49 C6 अप टू 30 C6 को मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या बोलो, 1 + x^50, 1 + x^49 से लेके 1 + x^30, और सभी में x^6 का कोफिशियंट, ये जीपी हो गई, जीपी का समेशन निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म आर कितना हो जाएगा 1, इसको इससे रिवर्स ऑर्डर में ले लो, तो 1 + x^21 माइनस 1 अपॉन 1 + x माइनस 1, तो एक तरह से मिला 1 + x^51 माइनस 1 + x^30 अपॉन 1/x, यस और नो, ये आपको रिजल्ट मिल गया। टोटल टर्म कितने होंगे, 30 से 50 हैं तो 21 होंगे, यस और नो। अब इसमें से और इसमें से मुझे क्या निकालना है ये बताएंगे आप, इसमें से और इसमें से मुझे निकालना है x^7 का कोफिशियंट, क्योंकि अपॉन x है, तो इसका 7 होगा 51 C7, इसका होगा 30 C7, और ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो देखो कहीं है 51 C7 माइनस 30 C7, यस और नो, राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ टू वर्टिकल पोल, पोल होंगे वो ए बी एंड सी डी ऑफ हाइट 15 मीटर, एक पोल की हाइट 15 मीटर है, ये ए बी है, एक पोल की हाइट 10 मीटर है, ओके, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी सी एंड ए डी वॉट, ठीक है, ए एंड बी होगा यहां पर, एंड ए डी वॉट इज द हाइट ऑफ द ग्राउंड, मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या था, ये टू पोल थे, इसका ए बी और ये था बी सी सी डी, सॉरी सी और डी जो थे, ए और सी जो थे वो ग्राउंड पे थे, इसको जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी उस पॉइंट का वैल्यू था पी, तो आपको हाइट बतानी थी पी की कितनी होगी, ये एक्चुअल क्वेश्चन था, राइट right? थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज अलग है पर कंफ्यूज, मतलब इसमें लैंग्वेज अलग है, कोई बात नहीं, मतलब ये दो पोल है, इन दो पोल के टॉप को ज्वाइन करने वाला, इसके बॉटम को ज्वाइन कर रहा है, इंटरसेक्ट पी पे कर रहा है, तो आपको बताना है हाइट ऑफ पी कितनी लेंथ होगी। अब सुनिए, इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये एक पूरा सिमिलर ट्राइंगल, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई, ये एक पूरा ये और ये दो सिमिलर ट्राइंगल है, तो आप ऐसा बोल सकते हो 15, ध्यान देना 15, ये पूरी लेंथ अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एच अपॉन वाई, और ऐसे उधर वाले पे आओगे जब ये वाले ट्राइंगल पे, तो आप बोलोगे
टेन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एच अपॉन एक्स। क्यों बेटा? तो आप ये बताओ मुझे कि यहां से अगर मैं बोलूं कि एक्स प्लस वाई इंटू एच इक्वल टू कितना है? 15। ऐसा लिख लो, बल्कि आप ऐसा, मैं बताता हूं आपको, वाई इक्वल टू एच इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 15। और ऐसी x इक्वल टू यहां पर भी बेटा कितना हो जाएगा, देखो, h इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 10। अगर मैं बोलूं x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ दो तो x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, तो आप बोलते, और h भी कॉमन हो जाता तो 1/15 प्लस 1/10, ये कैंसिल। तो 1 इक्वल टू h इंटू, इसका एलसीएम आ गया 30, तो 2 + 3, तो h इक्वल टू 6। कितनी आ गई हाइट? 6 आ गई हाइट। इज दैट क्लियर? यानी आप देखिए कि 9th 10th का क्वेश्चन हो गया, ये जेई का भी नहीं है, 9th 10th में इस तरह के ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स मिलती हैं। नोट करो क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, एक्स बिलोंग टू 0 to 4 एंड जी एक्स इक्वल टू एफ एफ एक्स देन 0 to 3 जी एक्स माइनस एफ एक्स बताना है। ओके, क्वेश्चन काफी अच्छा है। पहले समझ लीजिए कि आपको ऐसा बोला है बेटा, 0 से 3 में जी एक्स को अलग में इंटीग्रेट कर दूंगा और -0 से 3 में एफ एक्स को अलग इंटीग्रेट कर दूंगा। तो दोनों के अलग अलग निकाल लो। जैसे अगर मैं बोलूं कि 0 से 3 में केवल मॉड एक्स माइनस टू को इंटीग्रेट करना है, चाहो तो आप लॉजिक से भी कर सकते हो, ब्रेकिंग पॉइंट 2 है, एक्स की वैल्यू 0 रखो तो ये 3 यहां आ गया, तो ये लेंथ 2, ये लेंथ 2, तो इसका एरिया आ गया हाफ 2 × 2, ये आ गया 2 यूनिट। इसकी लेंथ की बात करेंगे तो ये 1 यूनिट है। अच्छा, एक्स की वैल्यू 3 रख दो तो वाई भी 1, तो इसका एरिया हो गया हाफ, यानी 2 + 1/2 5/2, यानी इस वाले पार्ट का एरिया हमें मिल गया 5/2। अब रहा इस वाले पार्ट का एरिया निकालना, वो भी सिखाता हूं मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, जिससे आपका बहुत जल्दी हो पाएगा। अब देखिए, पहले जी एक्स है क्या? एफ इंटू एफ एक्स, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं मॉड एक्स माइनस टू माइनस ऑफ 2। इसको भी मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। 0 से 3 है तो 0 से 2 में, बेटा 0 से 2 में इसका नेचर होगा 2 - x, -2 था, खत्म क्वेश्चन। और 2 से 3 में ये पॉजिटिव हो जाएगा तो x माइनस टू ही रहेगा, खत्म क्वेश्चन। अब बताओ यहां कैंसिल, एक तरह से मुझे मिला x, 0 से 2 में x मिला, तो एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 2, तो इसका एरिया निकल गया 2। ये कितना मिला बेटा? x माइनस 4, पर इसका नेचर होगा निगेटिव, तो ऐसा मिल जाएगा आपको 4x - x² / 2, 2 2 3, माइनस लिखा रहने देना बाहर, ओवरऑल रिजल्ट प्लस लेंगे हम जो हमने करा था। तो 12 - 9/2, -2 रखो, 8 - 2, 6, ये हो गया 24, 15/2 -6, 12, 3/2, तो 2 + 3/2 यानी 7/2, इसका रिजल्ट 7/2 है। तो सिंपल, 7/2 -5/2 = 1। ऐसे क्वेश्चन हमने एरिया अंडर कर्व में सीखे भी हैं, करने भी सीख, आपको आते भी हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉडुलस के क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, राइट? बट ये क्वेश्चन के लिए भी सजेशन है, लास्ट में करिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट 1/6, वो 1/10, ठीक है, तो नॉट हो जाएगा 9/10। द नंबर ऑफ शॉट रिक्वायर्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 3/4। एटलीस्ट 1 का एक फॉर्मूला आपने डायरेक्ट पढ़ा है, 1 - q/n, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 3/4। तो 1 - 9/10 की होल पावर n ग्रेटर देन 3/4, या ऐसा भी बोल सकते हो, इसको इधर लाओ, तो 1 - 3/4 ग्रेटर देन 9/10 की पावर n, या ऐसा बोल सकते हो 9/10 की पावर n लेस देन 1/4। n की वैल्यू रख के देख लेना, आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है? यस, एक क्वेश्चन ये भी छूटा था, ये भी देख लें आप, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। 1 1 1 अप टू दिस वन, पहले कितने बार आया देखो, 1 से लेके 19 तक है, या 2 से 20 तक, तो 10 टर्म ये और एक ये, तो 11 हो गया। तो इसका मतलब ये 11, अब जो भी इसका माइनस 220 बीटा, तो 11 किस किस में, एक इसमें है और एक इसमें,
तो ये दो तो रिजेक्ट हो गए, ठीक है। अब केवल हम जाएं तो आप वैसे ध्यान देना, मैं एक आपको लॉजिक बताता हूं। जैसे आप 103 और 103 इसमें कॉमन है, मिस्टेक वाली चीज हमेशा होती है, तो बहुत चांसेस है कि ये आंसर करेक्ट हो, क्योंकि ऐसे ही चेंज करते हैं, मतलब 103 103 10 11 ऐसे चेंज हो सकता है ना। तो चांसेस हैं पर कोई जरूरी नहीं है, आप बाकी कर भी लोगे कैसे। अब अलग से मैं बता रहा हूं कि इसको कैसे करते हैं आप। अगर मैं आपसे बोलता है इसको ऐड करो, माइनस तो सब में लगा, 1 2 का स्क्वायर, 3 4 का स्क्वायर, 5 6 का स्क्वायर, ऐसे आपके पास 19 × 20 स्क्वायर 10 टर्म हुए। तो आप इसका जनरल टर्म निकाल सकते थे ना, 1 3 तो 2n − 1 × 2n का स्क्वायर। देखो रख के 1 1 रखा तो ये आ गया, 2 रखा 3, 3 रखा 5, 1 रखा 2, 2 रखा 4, 3 रखा 6, यस। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, 4n² × 2n − 1, यानी 8n³ − 4n² यस और नो, 8n³ − 4n² अब बेटा आपको है ना, इसमें जब Sn पे जाते हैं आप, तो ये सीधा सीधा क्या बनता है, σn³ − 4σn² खत्म। तो 10 के लिए निकाल लो, 8 × 10, 10 + 1 11 बाय 2 का स्क्वायर, माइनस उधर करोगे तो 4 × बोलो कितना होगा, n, n मतलब हो गया 10, n + 1 11 × 2n + 1 21/6। अब जरा सॉल्व करो, ये कैंसिल 5 टाइम, तो 8 × 25 × 121 माइनस, ये कैंसिल करो बेटा 3 से 2 टाइम, ये 7 टाइम, ये 2 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, 2 × 10 × 11 × 7, ठीक है। जो जो चीजें कॉमन है वो ले लेंगे हम, जैसे ये हो गया 200 × 121, ये कितना हो गया 20 × 77, 20 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा 10, 1210 − 77, तो 20 × इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 67 है, मतलब तो 1133, देखिए 3, ये भी ठीक है, ओके। अब इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो, और 220 पहले से दिया है, 220 बीटा, ठीक है, तो 220 का डिवाइड कर दो, तो 220 का अगर डिवाइड करेंगे इसमें एक तरह से, 20 अगर अलग कर देंगे तो 11 × बीटा, तो 11 के साथ तो था हमारे साथ कुछ है ना, 11 का कॉम्बिनेशन दोनों जगह था। आप बल्कि ऐसे ही करो, थोड़ा इसको ऐसे मत करो, मैं आपको बताता हूं। देखो आप 2 और 2 कॉम देखो, जैसे ये है, इसके बाद के रिजल्ट को जरा समझना ध्यान से, जो जो लिखा है मैंने, 8 25 × 8 × 11 × 11 − 2 × 10 × 11 × 7, राइट। अब आप एक बार बताइए, आप चाहें तो 10 और 2 20, ठीक है, ये 200 है, तो 20 आपने कॉमन लिया, साथ में 11 भी कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा, 10 × 11, और आपने क्योंकि 20 और 11 कॉमन लिया तो −7, तो एक तरह से 11 × 20 के बाद ये हो गया 110 − 7, तो 110 − 7 मतलब 103, देखो ये आ गया आंसर, यस और नो। क्वेश्चन आपके हाथ में, किस ढंग से आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, जहां पर कैलकुलेशन होती है थोड़ा रुक जाएं, तो जो पॉसिबल अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, पेपर के सॉल्यूशन को, सारे पेपर्स के सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, आगे के पेपर अच्छे से दीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, चलिए।